so ability of any particular ligand to replace the ligand present in the transposition by any other ligand in the platinum 2 square planar complexes is known as its trans-directing ability और पावर एंड दिस टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट फिनोमिना इज कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट राइट सो किसी भी पर्टिकुलर लीगेंड की एबिलिटी रिप्लेस करने की लीगेंड को जो कि उसके ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट हो स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में खास करके प्लेटिनम के स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में इज नोन एज इट्स ट्रांस डायरेक्टिंग अबिलिटी या पावर और इस रिप्लेसमेंट फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट सो डिफरेंट लीगेंट्स हैव द डिफरेंट ट्रांस डायरेक्टिंग पावर वैन वी अरेज द वेरियस लीगेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग ट्रांस डायरेक्टिंग पावर दैन द अरेंजमेंट विच इज ऑपटेंड इज कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज तो अगर हम ये डिफरेंट uh, लीगेंट्स जिनकी की डिफरेंट ट्रांस डायरेक्टिंग पावर होती है अगर हम इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज uh, करें तो उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज और ये जो अरेंजमेंट है डिफरेंट लीगेंस की इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ट्रांस डायरेक्टिंग पावर इन ट्रांस डायरेक्टिंग है वो इस सीरीज में दिया हुआ है जिसमें कि आप अच्छे से देख सकते हैं इस सीरीज में से कि ये जो साइनाइड कार्बोनिल नाइट्रोसिल इथीन एक्सेट्रा ये वाले जो लीगेंस हैं देव द पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंस दीज आर पावरफुल ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंस मीन्स दे हैव हायर एबिलिटी ऑफ ट्रांस डायरेक्टिंग एज कम्पेयर टू द अमोनिया हाइड्रोक्साइड और वॉटर लीगेंट्स मीन्स अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड वॉटर आर पुअर ट्रांस डायरेक्टिंग लीगेंस इसका मतलब है इस ऑर्डर में अगर हम देखेंगे कोई दो लीगेंस को कंपेयर करते हैं तो जो इस सीरीज में पहले आएगा उसका ट्रांसडायरेक्टिंग एबिलिटी या पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द लेटर वन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स किए थे क्लोराइड और अमोनिया के केस में तो जहां पे क्लोराइड लीगन लगा है उसकी ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू अमोनिया चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सो so दस हम फिर से वही कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट और इसको अगर हम अमोनिया लीगेंट के साथ रिप्लेस करेंगे तो अमोनिया क्लोराइड लीगेंट को रिप्लेस कर देगा लेकिन सेकेंड स्टेप में जो अमोनिया है उसकी रिप्लेसमेंट इस क्लोराइड से नहीं होगी ये जो एनसर्कल्ड क्लोराइड लीगेंट्स हैं इनमें से किसी एक की होगी बिकॉज क्लोराइड लीगेंट का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अमोनिया का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट सो so, इन दोनों में से किसी एक क्लोराइड लीगेंट की रिप्लेसमेंट होगी अमोनिया के साथ और सिस आइसोमर जो है दैट विल बी द एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट राइट इसका मतलब है ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड इज मोर देन अमोनिया सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टेट्रा अमीन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स अब इसको अगर हम क्लोराइड लीगेंट के साथ अमोनिया लीगेंट्स को रिप्लेस करें तो पहले स्टेप में क्लोराइड लीगेंट कहीं चारों में से किसी भी अमोनिया लिगेंड को रिप्लेस करेगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पोजिशन पे अमोनिया uh, के साथ ये रिप्लेस हो गया बट इन सेकेंड स्टेप जो नेक्स्ट क्लोराइड लीगेंट है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा इन इन तीनों अमोनिया लीगेंट्स में से दैट इज ट्रांस टू दिस क्लोराइड आयन सो इस क्लोराइड लीगेंट के ट्रांस पोजीशन पे जो अमोनिया है इसकी रिप्लेसमेंट ज़्यादा इजीली होगी एज कंपेयर टू दीज टू अमोनिया लीगेंट्स क्योंकि अमोनिया लीगेंट का जो ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट है दैट इज लेस एज कंपेयर टू द ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ड्यू टू क्लोराइड तो क्लोराइड की ट्रांसपोजिशन पे जो अमोनिया लीगेंड है इट विल गेट डिस्प्लेस और सब्सटीट्यूटेड बाय दिस क्लोराइड लीगेंड। और नेचुरली जब हम uh, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये वाली पोजीशन पे यानी कि ट्रांसपोजिशन पे जो अमोनिया लिगेंड है इट विल गेट सब्सटीट्यूटेड बाय क्लोराइड लिगेंड एंड अ ट्रांस आइसोमर विल बी फॉर्म्ड एज एज एन एक्सक्लूसिव आइसोमर सो दैट मींस ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड इज मोर देन अमोनिया राइट चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेके हम uh, समझ समझते हैं सिमिलरली ये मैंने कॉम्प्लेक्स फिर से लिया है टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट और इसको अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट uh, करेंगे अगेन Uh, एक क्लोराइड आयन जो है वो अमोनिया के साथ सब्स्टिट्यूट होगा नाउ सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है नाइट्रोलीगेंट लिया है और नाइट्रोलीगेंट uh, जब हम उसके साथ इसको रिप्लेस करेंगे तो नाउ जो रिप्लेसमेंट होगी दैट विल बी ऑन द पोजीशन विच इज ट्रांस टू द क्लोराइड लीगेंट तो क्लोराइड लीगेंट के ट्रांस पोजीशन पे ये वाला जो क्लोराइड लीगेंट है इट विल गेट डिस्प्लेस्ड बाय दिस नाइट्रो ग्रुप अमोनिया के ट्रांसपोजिशन पे जो क्लोराइड लीगेंट है वो रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि अमोनिया का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट इज लेस एज कंपेयर टू क्लोराइड लीगेंट लेकिन इस इस वजह से ये सिस आइसोमर बनेगा सो दैट मींस ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ क्लोराइड इज मोर देन अमोनिया इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं फिर से हमने वही कॉम्प्लेक्स लिया है और अब हमने फर्स्ट स्टेप में नाइट्रो ग्रुप की रिप्लेसमेंट करनी है विद एनी वन ऑफ द क्लोराइड लीगेंट्स तो इट्रोग्रुप रिप्लेस हो गया बाय क्लोराइड लीगन नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा जब सेकंड स्टेप में आप अमोनिया लीगन के साथ रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो नाइट्रो और क्लोराइड दोनों के हमने कंपैरिजन करना है कि दोनों दोनों में से किसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है तो अगर आपने ध्यान से ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज देखी थी तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्लोराइड से पहले आता है दैट मीन्स नाइट्रो का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू क्लोराइड ट मींस नाइट्रो के ट्रांसपोजिशन पे जो क्लोराइड लीगेंट लगा है अब उसकी रिप्लेसमेंट होगी विद अमोनिया सो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा सो so, नाइट्रो के ट्रांसपोजिशन पे ये वाला जो क्लोराइड है इट विल गेट सब्सटीट्यूटेड बाई द अमोनिया लीगेंड इन सेकेंड स्टेप एज कंपेयर टू द ट्रांस लीगेंट विच इज ऑपोजिट टू क्लोराइड लीगेंड सो क्लोराइड और नाइट्रो में से अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रो ग्रुप जो है या नाइट्रो लिगन जो है उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू क्लोराइड और इसलिए इस केस में ट्रांस आइसोमर बनेगा दैट मीन ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो इज मोर देन क्लोराइड एंड अमोनिया ठीक है कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं सिमिलरली अगर हम फिर दोबारा से टेट्रा क्लोरोन प्लेटिनम प्लातिने, प्लेटिनेट कॉम्प्लेक्स लें और उसको अमोनिया लीगन के साथ उसका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखें तो अमोनिया लीगन विल रिप्लेस क्लोराइड लीगन एंड देन अगर हम उसको ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो नेचुरली फिर से वही बात आएगी कि अमोनिया और क्लोराइड में से किसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा है दैट इज क्लोराइड तो क्लोराइड जो एनसर्कल्ड क्लोराइड मैं आपको दिखा रही हूं उसका ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट मतलब इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हो तो वो ट्रांसपोजिशन uh, पे रिप्लेस होगा फॉर एग्जाम्पल ये एनसर्कल्ड क्लोराइड जो है इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय दिस ब्रोमाइड लीगन राइट right. अब जब आप इसका नेक्स्ट करो, स्टेप करोगे यानी कि सब्सटीट्यूशन बाय पिरीडीन तो अब पिरीडीन कौन से क्लोराइड uh, को रिप्लेस करेगा यानी कि अब क्लोराइड uh, ये वाला या ये वाला या ब्रोमाइड कौन सा वाला होगा तो अब आप ब्रोमाइड और क्लोराइड में से जब कंपैरिजन करते हो तो ब्रोमाइड का ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट इज मोर एज कंपेयर टू क्लोराइड इसका मतलब है ब्रोमाइड के ट्रांसपोजिशन पे जो क्लोराइड है अब उसकी रिप्लेसमेंट होगी बाय पिरीडीन सो दिस इज ड्यू टू ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट इसी तरह से एक और एग्जांपल ले, लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अब पहले स्टेप में हमने पिरीडीन के साथ रिप्लेसमेंट की है स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की दैट इज टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट और इस केस में भी चारों क्लोराइड में से कोई भी एक पिरीडीन के साथ रिप्लेस होगा और सेकेंड स्टेप में जब हम ब्रोमाइड के साथ के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो पिरीडीन के कंपैरिजन में जो क्लोराइड के ट्रांसपोजिशन पे है लीगेंड उसकी रिप्लेसमेंट होगी राइट तो यहां जो एनसर्कल्ड क्लोराइड है इस क्लोराइड के ट्रांसपोजिशन पे ये क्लोराइड है सो इसकी रिप्लेसमेंट होगी बाय दिस ब्रोमाइड लीगेंड राइट तो अब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप दोबारा से अमोनिया लीगेंट के साथ रिप्लेसमेंट करना चाहते हो सब्सटीट्यूशन करना चाहते हो तो अब कौन से लीगन की रिप्लेसमेंट होगी अब इस केस में जो ब्रोमाइड के ट्रांसपोजिशन पे है क्लोराइड दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अमोनिया लीगेंट बिकॉज ब्रोमाइड हैज मोर ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट एज कंपेयर टू क्लोराइड तो ब्रोमाइड की ट्रांसपोजिशन पे जो क्लोराइड लीगेंट है इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय दिस अमोनिया लीगेंट तो हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रांस डायरेक्टिंग इफेक्ट के साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि मेटल हेलोजन बॉन्ड जो है दैट इज मोर लेबाइल देन मेटल नाइट्रोजन बॉन्ड यानी कि मेटल और हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है और उसको हेलोजन को रिप्लेस करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू जहां पे भी मेटल और नाइट्रोजन का बॉन्ड आएगा फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्लेटिनम और पिरीडीन का यहाँ पे बॉन्ड देखा तो पिरीडीन का जो नाइट्रोजन है और प्लेटिनम के बीच में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एस कंपेयर टू प्लेटिनम एंड हैलोजन बॉन्ड ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सो so फिर से हमने टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट कॉम्प्लेक्स लिया है और इसको दो पिरीडीन के साथ हमने दो क्लोराइड लिगेंट्स को रिप्लेस कर दिया है राइट right? तो यहां पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जब आप अमोनिया के साथ इसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं राइट right? तो अब क्लोराइड के ऑपोजिट जो है वो पिरीडीन नहीं रिप्लेस होगा जबकि प्लेटिनम और क्लोरीन बॉन्ड का जो बॉन्ड है उसका क्लोराइड जो है दैट इज दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय दी अमोनिया लीगन सो जब हम इसको नेक्स्ट अगेन ब्रोमाइड लीगन के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे तो अब कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा जो प्लेटिनम और क्लोरीन वाला बॉन्ड है आई मीन द लीगेंड विच इज ऑपोजिट टू दिस क्लोराइड लीगेंड दैट विल गेट रिप्लेस्ड सो इन दिस केस दिस पिरीडीन विल गेट रिप्लेस्ड बाई द्रोमाइड आइन ब्रोमाइड लाइट लीगेंड राइट सो अब इस केस में अगर आप देख रहे हो तो ये ट्रांस इफेक्ट का कॉन्ट्राडिक्ट्री है सो सेकेंड स्टेप में इस रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में इट द ट्रांस इफेक्ट दैट मीन्स ट्रांस इफेक्ट क्या था ट्रांस इफेक्ट प्रिडिक्ट करता था कि कोई भी लीगेंट जो है विच इज ट्रांस टू क्लोराइड शुड बी रिप्लेस्ड देन एनी लीगेंट ट्रांस टू पिरीडीन हाउएवर इन दिस रिएक्शन क्लोराइड लीगेंट ट्रांस टू पिरीडीन इज रिप्लेस्ड बिकॉज द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेटिनम क्लोरीन इज वीकर देन प्लेटिनम नाइट्रोजन बॉन्ड राइट सो नेक्स्ट है कर्नोकोव टेस्ट कर्नोकोव टेस्ट है ये एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ऑफ ट्रांस इफेक्ट जो हेल्प करती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर एग्जांपल अगर ये सिस आइसोमर है तो इसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ट्रांस आइसोमर से इसको हम रिएक्ट करेंगे विदो यूरिया सो द कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस इज ट्रीटेड विद थायो यूरिया और अगर सिस कॉम्प्लेक्स है तो उस कॉम्प्लेक्स में जो सारे लीगेंट्स हैं दे विल गेट रिप्लेस्ड बाय द रिप्लेसोरिया इन ईच स्टेप वेयर एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सिस देख रहे हो तो सिस जो है वो था यूरिया लीगेंट जो है वो सारे चारों के चारों लीगेंस uh, को रिप्लेस कर देगा जबकि अगर ट्रांस आइसोमर है तो वो दो स्टेप्स के बाद ही रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा सो so, ट्रांस आइसोमर के केस में अगर हम था यूरिया के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो इट विल गेट स्टॉप्ड एट टू स्टेप्स ओनली सो थैंक यू सो मच सो दिस इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट